देखिए, एक साहब बार बार मुझसे फेसबुक या वर्चुअल स्पेस जो है जहाँ सरहदों की कैद नहीं होती उसकी बहुत सारी बुराइयाँ गिना रहे थे। मैंने सिर्फ एक खूबी, एक तारीफ जो है वो उनको गिनाई और मैंने उनसे कहा कि अगर ये फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, ये रील्स, ये शॉर्ट्स नहीं होते तो हमें एक शख्स जो अपने हुजरे में बैठकर बहुत अच्छी और बहुत बड़ी शायरी कर रहा था, हम उससे वाकिफ़ नहीं होते। मैं फहमी बदायूनी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ जिन्होंने भाई बाकायदा जिसे कहते हैं तहलका मचा रखा है पूरे वर्चुअल स्पेस पे और जगह जगह इनकी रील्स हम सबके मोबाइल्स में नज़र आती है। तो एक बार और फहमी बदायूनी साहब। एक मतलब और दो तीन शेर देखिए कि इसलिए जा रहा हूँ कोने में आंखें शामिल नहीं है रोने में। वाह वाह वाह। इसलिए जा रहा हूँ कोने में आंखें शामिल नहीं है रोने में। शेर देखिए कि मैंने उसको बचा लिया वरना। वाह। मैंने उसको बचा लिया वरना डूब जाता मुझे डुबोने में। एक मतलब और एक शेर और देखिए कि जरा कपड़े जो काले पड़ गए हैं मेरे पीछे उजाले पड़ गए। वाह वाह वाह। जरा कपड़े जो काले पड़ गए हैं मेरे पीछे उजाले पड़ गए हैं। उस शेर देखिए कि दरों पर वेलकम लिखा हुआ है, दरों पर वेलकम लिखा हुआ है मगर अंदर से ताले पड़ गए हैं। दरों पर वेलकम लिखा हुआ है मगर अंदर से ताले पड़ गए हैं। एक मतलब एक शेर देखिए कि आखिरी बार देखना है उसे, आखिरी बार देखना है उसे फिर लगातार देखना है उसे, आखिरी बार देखना है उसे फिर लगातार देखना है उसे। वो दवाएं बहुत बताता है होके बीमार देखना है उसे। वाह अच्छा है। वो दवाएं बहुत बताता है भाई। वाह 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 वाह। होके बीमार देखना है उसे। और वो जैसा उन्होंने भी नाजिम साहब ने बताया, चार पांच शेर वहां से सुन के फिर एक छोटी सी गजल जी वो शेर सुन लीजिए, अलग अलग हैं। कहाँ से सीख लेती हैं हवाएं, वाह कहाँ से सीख लेती हैं हवाएं तेरे अंदाज में पर्दे हिलाना। वाह क्या बात। कहाँ से सीख लेती हैं हवाएं तेरे अंदाज में पर्दे हिलाना। वहाँ फरहाद का गम कौन समझे, वहाँ फरहाद का गम कौन समझे जहाँ बारूद पत्थर तोड़ती है। वहाँ फरहाद का गम कौन समझे, बहुत अच्छे फहमी साहब। जहाँ बारूद पत्थर तोड़ती है। और इससे ये सुनिए कि मैं एक दरवाजे का नक्शा बनाकर, मैं एक दरवाजे का नक्शा बनाकर तेरी दीवार से लिपटा हुआ हूँ। मैं एक दरवाजे का नक्शा बनाकर तेरी दीवार से लिपटा हुआ हूँ। और आखिरी शेर देखिए इसका के देखता रहता हूँ तेरी ईदें, देखता रहता हूँ तेरी ईदें मेरे रोजे गुजरते रहते हैं। देखता रहता हूँ तेरी ईदें। ये रमजान के करीब कहा है जान के ताकि
एक गजल के चार पांच शेर और फिर आपकी सहमत तमाम। वो शेर है ये, वो नहीं, आपने कई बड़े मसले हल कराए इन बच्चों के अपनी रील्स के जरिए। एक शेर और याद आ रहा है जी, कि मैं तुम्हारे ही साथ रहता हूँ, मैं तुम्हारे ही साथ रहता हूँ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते। मैं तुम्हारे ही साथ रहता हूँ, तुम मेरे साथ क्यों। मतला और शेर देखिए, किसको आए नजर हमारा घर, किसको आए नजर हमारा घर, हो बराबर में जब तुम्हारा घर। भाई वाह वाह वाह, किसको आए नजर हमारा घर, वाह, हो बराबर में जब तुम्हारा घर, तुम तो आए नहीं दोबारा घर, तुम तो आए नहीं दोबारा घर, दस्त में आ गया हमारा घर, तुम तो आए नहीं दोबारा घर, दस्त में आ गया हमारा घर। उसे देखिए कि बरसों पहले की एक दस्तक से, बरसों पहले की एक दस्तक से कर रहा है अभी गुजारा घर, बरसों पहले की एक दस्तक से कर रहा है अभी गुजारा घर, कर रहा है अभी गुजारा घर। वाह, शेर देखिए कि एक मेहमान आने वाला है, एक मेहमान आने वाला है, एक मेहमान आने वाला है, आज दहलीज पे है सारा घर। वाह, एक मेहमान आने वाला है, वाह 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 वाह, आज दहलीज पे है सारा घर। वाह वाह, बहुत अच्छा। आखिरी शेर है कि वो कभी ठोकरें नहीं खाता, वो कभी ठोकरें नहीं खाता, वो कभी ठोकरें नहीं खाता, दे रहा हो जिसे सहारा घर। वाह, वो कभी ठोकरें नहीं खाता, बहुत अच्छा, दे रहा हो जिसे सहारा घर। वाह 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 वाह।